लिखा है, एक बुजुर्ग थे बड़ा रोया करते थे, रो रो के ना आंखें खराब हो गई। तो तबीब आया इलाज के लिए और करता है, हुजूर मैं आपकी आंखों का इलाज तो कर दूंगा लेकिन यह ज़रा आपको रोना कम करना पड़ेगा, तो अगर आप इसी तरह रोतेंगे कि तो आंखें ठीक नहीं होंगी। आपने फरमाया अखां ठीक नहीं होंदियां ते ना हो, लेकिन मनु अखां नहीं चाहिए जिहड़ियां यार दी याद च रोण ही कोई ना। आपने फरमाया वो आंखें भी को आंखें हैं जो रोए ना कोई भी है। फरमाते जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। एक फरमाते हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा है, जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा है। और अपने अल्लाह पे यकीन करो, सुबह उठ के नमाज फजर पढ़ो। और ये जितनी नहुसत है ना हमारे घरों में, ये फजर ना पढ़ने की वजह से। मैं अब किसी को ये नहीं कहता कि जी हाथ खड़ा करो, अगर मैं भी कहता हूं ना जी हाथ खड़ा करो, आज फजर की नमाज किस किसने पढ़ी थी? बड़े कम लोग, वैसे तो अक्सरियत बेनमाजों की। फिर जो नमाजी हैं उनमें भी नमाजी चार टाइम के नमाजी, फजर के नमाजी बड़े थोड़े हैं अगर। और वही हजरत हमारे घरों में नहुसत है। गुनाहों का रास्ता छोड़ दे गुनाहों का रास्ता, यह रास्ता ठीक नहीं है। अपने अल्लाह को मना दे, तूने सारी उम्र जाया कर दी और देख तू अब इतने ज्यादा गुनाह लेके अल्लाह की बारगाह में। सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, पुत्र प्लाट ऐसे रह जाने में, अपने भैन भरा न छे के रख ल। दावा करता है आशिक होने का, आशिक तो वो है वो खुद को नहीं देखता, वो सिर्फ महबूब को देखता है। ये कैसा आशिक हुआ कि जिसको अभी तक अपने हिस्से याद है? हम तो अपने आप में फंसे लोग हैं। आशिक इस दिन हमने होना है जिस दिन हम सारा कुछ छोड़ के ना हमने सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने में लग जाना है। ईमान वालों, शैतान के रास्ते पे ना चलो। ला तत्तबियू खुतुवात शैतान, क्यों ना चलो? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। जनाब आदम अला नबी अलैहि सलातो सलाम को सजदा न करने की वजह से जो इसको मकाम मर्तबा था वो छिन गया। तो फिर इसने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा कि रब करीम मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाल रहा है, मुझे ये मकाम मर्तबा आदम की वजह से छीना गया ना, तो अगर मैं जन्नत में नहीं ना रहा तब जाने मैं इनकी औलाद में से भी किसी को नहीं दूंगा। इसलिए क्या कहा गया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन। इसने उस दिन कहा था अगर मैं जन्नत में नहीं रहा आदम की वजह से तो जाने मैं इनकी औलाद में से भी किसी को नहीं दूंगा, इनसे इस तरह के काम सरजद करवाऊंगा कि ये जन्नत के हकदार, जन्नत के मुस्त